जोगी साहब, यही वो गाड़ी है। कल रात को यही गाड़ी आई थी। ये कार तो इसी की है। हाँ? क्या उस वक्त ये कार में मौजूद था? ये सब मुझे नहीं मालूम, मेरी घर की खिड़की से ये नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर कार इसकी है तो कातिल भी यही होगा। ये क्या कह रही हैं? हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा मेरे पति ने तेरा जो तूने उसे मार डाला? बता, तेरी क्या दुश्मनी मेरे पति से? प्लीज प्लीज रिलैक्स। कांस्टेबल ले जाइए इन्हें, बिठाइए उधर। आप वहाँ बैठे, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लीज जाइए। चलिए मैडम। मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैं किसी महेश सक्सेना को नहीं जानता और ना ही मुझे पता उसका बंगला कहाँ है। आवाज नीचे, धीरे बात कर। अगर तुझे बंगले का पता नहीं मालूम तो तेरी कार वहां कैसे पहुंची? मिसेस सक्सेना ने फोन करके तेरी कार का नंबर कैसे दिया? मुझे कैसे मालूम? सीताराम सर, ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो समझाना पड़ेगा मेरा फंडा। सर, महेश सक्सेना के मर्डर के स्पॉट पर टायर के जो निशान मिले थे वो इसी गाड़ी के थे। एक सरप्राइज न्यूज और है सर, कैलाश चोपड़ा का खून जहां हुआ था वहां पर भी सेम टायर के निशान थे। ये लीजिए सर। ओ, तो ये फंडा है साहब। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन एबीसी से शुरू करनी होगी। अच्छा ये बता, तूने कैलाश चोपड़ा का खून क्यों किया? कैलाश चोपड़ा? कौन कैलाश चोपड़ा? अच्छा, कौन कैलाश चोपड़ा? अरे वही कैलाश चोपड़ा जिसका कत्ल 29 तारीख की दोपहर को 3 और 4 बजे के बीच में पालघर की रेलवे क्रॉसिंग पर तूने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और 29 तारीख को तो सुबह से शाम तक मैं अपने काम पर था। कहाँ काम करता है तू? करतार सिंह के गैराज पर। सीताराम, इससे करतार सिंह का नंबर लेकर करतार सिंह को अब भी बुलाओ यहाँ पर। जी साहब। जी साहब। अरे क्या हुआ भाभी जी? इनके कातिल को पकड़ लिया है। राज नाम है उसका। अच्छा? उसने ही चोपड़ा भाई सब का भी खून किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है डैड। यस भाभी जी, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। आप जल्लाद हैं क्या? बताए, फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या कमाल है डैड, आपने कभी बताया नहीं कि आप जल्लाद भी है। शट अप। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर डिकोस्टा, ये पुलिस स्टेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए बाहर जाकर बैठिए। चल जाओ। जो सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। ये सब क्या है पुत्र? पाजी पता नहीं। देखिए सरदार जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ जी, अपना ही बच्चा है, मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम। इस लड़के ने 2 खून किए हैं। क्या? पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को। मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि 29 तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था? क्या सोच रहे हैं सरदार जी? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है। सरदार जी, आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए, क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा? सरदार जी, आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि 29 तारीख को ये लड़का कहाँ था? मेरे काम पर। मैंने इसे अपने ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन दे के भेजा हुआ था। उस वक्त इसकी कार कहाँ थी? अरे भाई, जब ये टोइंग वैन लेकर गया था तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना। और सर, जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है, तो कल शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो हम सब राज के साथ ही थे, क्लब 24/7 में। और सर, हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाए, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यस सर, कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं? साहब, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है। शट अप। इंस्पेक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाएं। कानून का भी अपना फंडा है, या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है, लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है। शेट्टी, स्टेटमेंट लिखो इन सब का और फिलहाल इसको जाने दो। लाइन में बाहर जाना। मिस्टर सक्सेना की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जरूरत पड़ी ना तो आधी रात को भी फोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या हुआ? खूनी छूट गया। हाँ,
तू टेंशन मत ले यार। अरे किस बात का टेंशन, मैंने कुछ किया ही नहीं है, जबरदस्ती दो दो मर्डर का इल्जाम लगा दिया। अच्छा लेकिन तुम दोनों को याद तो है ना, कल तुम दोनों पुणे आ रहे हो मेरे एंगेजमेंट के लिए। हाँ आऊंगा। ओके बाय बाय बाय। यहां से तो छूट गया लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या आपका मुंह काला हो गया? अरे चुप। हेलो भाई, क्या बात है, इतने दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया, सब ठीक तो है? आई एम फाइन पापा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ राज कैसा है? ही इज ओके पापा, मैं अभी उसी के साथ एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में पुणे जा रही हूँ। अच्छा राज आ गया पापा। एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी जर्नी एंड डैड लव्स यू। थैंक यू पापा, बाय। हाय। ये हाय बाय में टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बैठो। दरवाजा तो खोलो। लॉक तो खुला है। मेरे हाथों में मेहंदी है। नाइस। राज मेरी आंखों में बाल आ रहे हैं, प्लीज स्कार्फ बांधो ना। स्कार्फ कहाँ है? वेलकम। आउच राज। क्या हुआ? मुझे बहुत इचिंग हो रही है, देखो ना प्लीज। कहां पर? वहां। यहां? नहीं थोड़ा नीचे। यहां? नहीं थोड़ा और नीचे राज, और नीचे। यहां? नहीं थोड़ा राइट प्लीज राइट। यहाँ नहीं हो रही है, वहाँ नहीं हो रही है, ऊपर नहीं हो रही है, नीचे नहीं हो रही, तो खुजली होकर रही है। थोड़ा नीचे। हाँ यहाँ। तुम्हारा हाथ तो इचगार्ड ऑइंटमेंट जैसा है। क्या कर रहे हो तुम? लगता है अब मुझे पूरा का पूरा इचगार्ड बन जाना पड़ेगा। अच्छा तुमने टाइम पे ब्रेक मार दिया वरना एक्सीडेंट हो जाता। ओए माइकल शूमाकर है। ओए भाई वाह, क्या सोनी गड्डी है। थैंक यू बाबा जी। की थैंक यू, देखते नहीं इधर गड्डियों की लंबी कतार है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन लग गई। और की हम 3.5 घंटे से रेंगते रेंगते यहां तक पहुंचे और तू फार्मूला रेसिंग करके फटाक से अंदर घुस गया। ए क्या हो रहा है? हवलदार जी ये कार वाले बीच में घुस गया है। कौन और किसके बीच में घुस गया? अरे पीछे से ऐसे आया और ऐसे घुस गया। ऐसे आया और ऐसे घुस गया? हाँ। आपका दिमाग खराब हो गया है? ये कार कोई खेकड़ा है जो साइड से चलती है? इतनी सी छोटी जगह में घुस जाएगी हाँ? ये बेचारा कब से लाइन में खड़ा होगा? हाँ ये ट्रक वाला चल 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 आगे निकल। चल चलो आगे हो, चलो चलो। आए, चला गया। बहुत अच्छी कार है, इंपोर्टेड है? नहीं सर, मैंने बनाई है। अच्छा तूने बनाई है, चल बाहर निकल। हीरोइन ऐसी गाड़ी में ले जाया करते हैं।
साहब कोई हीरोइन किडनैप हो गई क्या? मैं हीरोइन की नहीं हेरोइन की बात कर रहा हूँ, ड्रग्स की। चल टिक्की खोल। नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं है। सभी ऐसे बोलते हैं, मुझे तो ये गाड़ी लफड़े वाली दिखती है। चल टिक्की खोल। अरे कांच नहीं, डिक्की खोल। वही तो कर रहा हूँ सर। हा? सर मैं देखता हूँ। नहीं मैं देखता हूँ। अरे मुझे खींचो मत। अरे डिक्की उठाओ। अरे मर गया रे, क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। चल तेरी गाड़ी को लेके जा। चल चल। अरे क्या हो रहा है रे? अरे डॉक्टर बुला, इस मनुष्य गाड़ी को जल्दी निकाल निकाल। आपको चोट तो नहीं लगी ना सर? अरे खामोश, पहले बता मेरी टांग किसने खींची? मैंने नहीं खींची। फिर किसने खींची?